परम संत सतगुरु जय गुरुदेव का कहना है, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव का कहना है, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव की वाणी है, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव की वाणी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, निज अंतर का करो भरोसा, नाम रसाई होए, दया में हर उतर है सतगुरु की, जीवन कृतार्थ होवे, ज्ञान चक्षुए घाट खुली जावे, दरस परस को पावे, दरस परस को पावे, गुरु आधारे सत गुरु द्वारे, गुरु आधारे सत गुरु द्वारे, दरस परस को पावे, दरस परस को पावे, घाट में घाट घाट परस गुरु, घाट में घाट घाट में सत गुरु, महिमा गुरु की गावे, महिमा गुरु की गावे, बाड़ी उतरे जब सत गुरु की, बाड़ी उतरे जब सत गुरु की, मन की तऊष में लावे, मन की तऊष में लावे, ध्यान भजन करे गुरु चरण का, ध्यान भजन करे गुरु चरण का, आत्म बोध कमावे, आत्म बोध कमावे, करे फकीरी घट के बीचे, करे फकीरी घट के बीचे, मूल मंत्र को जगावे, मूल मंत्र को जगावे, नाम जागरित है सतगुरु का, नाम जागरित है सतगुरु का, उत्तम फल को पावे, उत्तम फल को पावे, नाम भजन कर तू अंतर में, नाम भजन कर तू अंत
नहीं मागावे, गुरु की महिमा गावे। आदिर नादिर शत गुरु मेरे, आदिर नादिर शत गुरु मेरे। क्यों निज धाम पठावे, क्यों निज धाम पठावे। शब्द रसाई है शत गुरु की, शब्द रसाई है शत गुरु की। क्यों नहीं गुण को गावे, क्यों नहीं गुण को गावे। नामाया धार शत गुरु प्यारे, नामाया धार शत गुरु प्यारे। नहीं में मन को लगावे, नहीं में मन को लगावे। चरण बंदना कर स्वामी की, चरण बंदना कर स्वामी की। उनको ही शीश झुकावे, उनको ही शीश झुकावे। सत गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। परम संत सतगुरु स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज ने हमेशा धर्म कर्म का संदेश दिया और सबको उस प्रभु से मिलने का मार्ग बताया और समझाया कि लप करके सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करना और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए। इस मुक्ति मार्ग को हमारे समर संत सतगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया। एक ही जगह नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर प्रांतों में जा जा करके उस धन को लुटाया और सबको समझाया बताया, शाकाहारी सदाचारी रहो और उस मालिक की महिमा का गुणगान करते रहो। जब मनुष्य मानो पोल मिला है तो उस पोल से उस मालिक को प्राप्त कर लो। ये मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद इसी मनुष्य रूपी पोल को कहा जाता है। इसमें दरवाजा है उस प्रभु से, उस खुदा से मिलने का, जो रास्ता पीरो मुर्शिद कामिल और संत सदगुरु ही बतलाते हैं। जिनके पास नाम जागृत होता है, नाम में पावर होती है, जिस नाम की कमाई करके वो प्रभु से के पास जाते हैं, मिलते हैं और उनकी दया दुआ को लेते हैं। जब समरस संत सदगुरु का आदेश हो जाता है तब वो पुनः उस कार्य को शुरू करती हैं, आदेश देते हैं। तब वो संत धरा पर निकल कर चारों तरफ घूम घूम करके उस प्रभु नाम का ढिंढोरा पीटते हैं, बजाते हैं कि देखो प्रभु का ये नाम है, इससे तुम लग करके सुमिरन भजन ध्यान करोगे और उसमें मन लाओगे और सतगुरु को याद रखोगे तो सतगुरु की सारी दया कृपा आप पर उतरेगी और आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। परंतु इसमें एक शर्त है कि तुमको शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा, अपने गृहस्थ जीवन में रहो, प्रभु की यादगारी करते रहो और सुबह शाम उस मालिक का शुक्राना भी अदा करते रहो। देखो राजापुर में गोस्वामी जी का जन्म हुआ, उनको
कंज गुरु से नामदान मिला। नामदान मिलने के बाद उन्होंने अपनी साधना जब पूरी कर ली तो चित्रकूट चले गए। वहां पर बैठ करके अंतरवाणी जो उतरी उनको तपस्या के दौरान, आत्मबोध आत्मज्ञान के दौरान, आत्म साधना के दौरान, तब उन्होंने रामायण का उल्लेख किया, रामायण को लिखा। और वही रामायण अब घर घर में सुनाई जाती है, हर जगह रामायण का पाठ होता है। कितने ही जीवों को उन्होंने पार कर दिया और राजापुर से वो काशी चले आए, काफी दिन काशी में रहे, अयोध्या में रहे और यहाँ तक कि दिल्ली भी गए और भारतवर्ष में कई जगह गए होंगे। पर जो हमारे गुरु महाराज के कहे सुने बताए आने के मुताबिक है वही हम आपको बता सकते हैं। तो प्रेमियों, जितने भी संत आए, महात्मा आए, पूरे संत आए, उन्होंने नाम को जगाया और नाम को जगाने के बाद उनके सतगुरु ने जब उस नाम में पावर दे दी तब उन्होंने धर्म कर्म का काम शुरू किया, उस नाम का प्रचार प्रसार शुरू किया और उसी नाम से कल्याण होने लगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो प्रेमियों, जब संत सतगुरु एक जगह से उठ करके या अपना मनुष्य मानव पोल छोड़ करके वो चला जाता है तो वहां पर पंथ रह जाता है, संत नहीं होता। ये हमारे गुरु महाराज ने बताया। फिर वहां पर पकवान बनाओ, मिठाई खाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, दर्शन करो, जाकर के मत्था टेको, कुछ ना कुछ तो लाभ तुमको मिलेगा क्योंकि संत की भूमि है। पर वो परमपिता परमेश्वर आपको प्राप्त नहीं होगा, तुमको संतों की खोज करनी पड़ेगी, दोबारा से तुमको नाम लेना पड़ेगा। नाम जागृत हो तभी अनुभव होगा, तभी दिखाई सुनाई पड़ेगा, इससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। और उस नाम को जागृत करता कौन है? वही परमपिता परमेश्वर, जिस नाम से तुम उसको पुकारोगे सदा सर्वदा के लिए सतगुरु की मेहर होगी तो उस नाम में वो पावर देंगे। नाम संतों के अधीन है, जो संत सतगुरु बतलाएंगे उसी नाम से काम होगा। और प्रभु परमात्मा के तो अनन्यो नाम है, किसी भी नाम से आप साधना करोगे, पर साधना तभी कर सकते हो जब आपका सतगुरु हो, गुरु हो, जो मार्ग को बताए, त्रिकालदर्शी हो, ब्रह्मऋषि हो, सतलोक धाम आने जाने वाला हो तो सबसे अच्छा। और किस तरह से उसकी पहुंच होगी वो उस तरह से आपका काम करवाएगा, उस तरह से पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्रभु के दर्शन हो और प्रभु से मुलाकात हो, आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाए। उन्हीं ब्रह्म ऋषियों, त्रिकालदर्शियों, संत सत्पुरुषों के यहाँ प्रार्थनाएं किताबें मिलेंगी, तो जो किताबें मिलेंगी या जो प्रार्थनाएं मिलेंगी वो ऊपर से जो देववाणी उतर रही है, अंतर में जो प्रभु बोलता है, इस घट के अंदर, मनुष्य मानव पोल के अंदर सुरत जीवात्मा किस पे बैठक है, दसवा दरवाजा है, उस दसवें दरवाजे पर बैठ करके गुरु सुनाता है और शिष्य उसको सुनता है, सुन करके उसको लिखता है, लिख करके पूरे समाज में उस चीज को सुनाता है, वो चोरी करके रख नहीं देता है। जैसे रामायण है वैसे ही घट रामायण है, उसी तरह है से अंतर की विद्या है, अंतर की रामायण है,
अंतर की प्रार्थनाएं हैं, जिसमें शब्द का वेग उतरता है, जिसमें दया दुआ होती है, उन प्रार्थनाओं को बोलने से मन में खिंचाव होता है और ये मन और सुरख जीवात्मा उस प्रभु की तरफ खिंचती हुई चली जाती है और एकाग्रचित हो जाती है। प्रार्थना इसीलिए किया जाता है कि पहले प्रभु की प्रार्थना, सदगुरु की प्रार्थना करेंगे तब उस सदगुरु की, प्रभु की दया कृपा होगी, मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित हो जाएगा और तत्पश्चात हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो हमारा मन उस प्रभु में लग जाएगा। इसीलिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ हमारे पास कोई किताब तो रखी नहीं, अंतर में जो मालिक की नित्य प्रति निश दिन, एक दिन की बात नहीं है, निश दिन जो कुछ अंतरवाणी अंतर में उतरती है और जो ऊपर से प्रार्थना आती है उसी को हम सुनाते हैं। हम कोई रटे रटाए रट्टू तोता नहीं है कि हमने उसको रट रखा है। जो अंतर में गुरु की वाणी उतरती है उसी वाणी को हम बोलते हैं और उसी प्रार्थना को सुनाते हैं जो प्रार्थना घट में सुनते हैं। लोग ये कहते होंगे हमारे गुरु भाई बहन ये तो कथक होंगे, कभी होंगे, इसकी दिन में रचना करते होंगे और सुबह इसका, शाम को इसका प्रसारण कर देते होंगे। लेकिन अगर जांच करनी है तो हमारे साथ बैठो और दिन भर घूमो, रात भर सो और जब सत्संग का टाइम आ जाए तब सुन लो, देख लो कि सच्चाई क्या है। जब तक तुम भजन नहीं करोगे कहीं भी जाओ तुम्हें कोई पार करने वाला नहीं है। ये नहीं तुम, ये तुम समझते हो कि हम भजन नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सेवा देंगे वो सेवा कर लेंगे, हम पार हो जाएंगे। नहीं पार होने वाले, पार तो आप तभी जाएंगे जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, उस प्रभु परमात्मा में लौ लगाएंगे, शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, किसी की निंदा आलोचना नहीं करेंगे जिस तरह मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, उसी तरह तुमको भी किसी की निंदा आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी गुरु भाई हो, कहीं भी जाता आता हो, उससे तुमसे क्या मतलब है? जहाँ उसको कुछ चीज प्राप्त होगी, कुछ गुरु की दौलत मिलेगी, कुछ दया दुआ उसको बरसेगी, वो तो वहीं जाएगा। कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं, रस्सी तो उसके अंदर नाम की पड़ी हुई है, परम संत सतगुरु स्वामी जय गुरुदेव की पड़ी हुई है, तो डोर तो उन्हीं की डाली हुई है। जैसा गुरु अंतर में बोलेगा वैसा काम करेगा। अगर उसे दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो उसने जो कुछ देख रखा होगा उसकी जो बुद्धि काम करेगी, जिस तरह उसको समझ आएगी उसी तरह से वो काम करेगा। इस तरह समझाने बुझाने से तो नहीं मानेगा। अब तुम धर्म कर्म को, आध्यात्मिक अनुभव को, तंत्र मंत्र बता दो तो विश्व में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र से उस प्रभु राम के दर्शन करवा दे या विष्णु ब्रह्मा महेश के दर्शन करवा दे। तंत्र मंत्र तो उस लिए होता है, इनको मार दो, उनको भगा दो, इनको ऐसा कर दो, उनको ऐसा कर दो। अरे ये तंत्र विद्या तो राक्षसों की विद्या है, अध्यात्म विद्या तो संतों की विद्या है, सुमिरन ध्यान भजन करने की विद्या है, प्रभु को प्राप्त करने की विद्या है। जैसे हमारे तमाम महात्माओं ने 4000 वर्ष, 10000 वर्ष तक, 20000 वर्ष तक जैसा युग रहा उस युग के मुताबिक उत्तराखंड में, हिमालय में, जहाँ तहाँ देखो वहाँ चित्रकूट में, प्रयाग में, तो कहाँ कहाँ संतों का तो जखीरा बसा हुआ है, सब बैठ करके हवन पूजन और उस प्रभु की तपस्या किया करते थे। जहाँ पर दया दुआ लेने के लिए समाज के लोग जाया करते थे। हमारे कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा है और वो जब मथुरा में थे तो उनके गुरु दुर्वासा ऋषि जो बड़े क्रोधी थे, वो जमुना के उस पार रहते थे, पर वो भी अपने गुरु आज्ञा के अधीन थे, अपने गुरु की आज्ञा को सदा सर्वदा
माथे पर रखते थे, सिर माथे चढ़ा करके रखते थे। इसी तरह प्रभु राम जिनकी जन्मभूमि अयोध्या है और वो हमारे राजा थे हैं और रहेंगे, वही ईश्वर हैं, वही प्रभु हैं, वही त्रिलोक के मालिक हैं। वो भी जब नर्तन चोले में यहाँ आए धरा से पापाचार हटाने के लिए, तब उन्होंने भी अपने ही गुरु को सारा सम्मान दिया, अपने से कोई सम्मान नहीं लिया और हमेशा संत महात्माओं की सेवा की और हमेशा से अपने संत सतगुरु की वाणी को माना, उनके आदेश का पालन किया और सदा सर्वदा अपने गुरु की सेवा किया करते थे। उनके दरबार में तमाम ऋषि मुनि महात्मा देश से प्रदेश से बाहर से आया जाया करते थे और उनकी वो नित्यपत सेवा किया करते थे। कभी भी उनमें कोई घमंड नहीं था कि हम राजा हैं, वो तो भक्त वत्सल प्रजापालक प्रभु दयाल पुरुषकर्ता थे। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। वो जमीन पर चटाई बिछा करके सोते थे, वो राजमहल का गद्दे पर नहीं सोते। जिस तरह हमारे ऋषि मुनियों का इतिहास है, चाणक्य भी चटाई पर सोया करते थे। तो प्रेमियों, जब सात्विक रहोगे, उस प्रभु में मन लगाओगे और उस प्रभु का साक्षात करना है तो संत सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी। नहीं तो आप जब भी आप पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, सतगुरु का नाम लेना है तो ये सतगुरु जय गुरुदेव जागृत नाम है। तुम कहीं भी आँख बंद करके बैठ जाओगे और या घर में, दुकान में, खेती में, दफ्तर में, कहीं भी रहोगे, तुम सतगुरु जय गुरुदेव आँख बंद करके बोलोगे, जैसे 10 बार बोलोगे, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी और परम संत सतगुरु जय गुरुदेव ही तुमको दर्शन देंगे। ये उसका प्रमाण है, जब चाहे ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो प्रभु से मिले थे और प्रभु से मिलने का मार्ग बताते थे और अब भी बताते हैं। जब तुम करना चाहोगे तो तुम्हारे लिए वो मार्ग सुलभ कर देंगे और तुम्हारा सुमरण ध्यान भजन बन जाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, भारत सत गुरु सत्य नामी, भारत सत गुरु सत्य नामी, परम पुरुष सत गुरु सत नामी, परम पुरुष सत गुरु सत नामी, सत के शरण कोटि परणामी, सत के शरण कोटि परणामी, शरण वंदना तेरी स्वामी, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने, मुझसे जाने अनजाने कोई गलती अपराध हो गया हो, कोई गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दया कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो, अपने चरणों में।